फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, ये बहुत निंदनीय घटना। वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का, उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए। इस्तीफा मंगे। देखो आज पंजाब में फिरोजपुर में जो रैली को संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, उसमें बहुत ही एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का, उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की और एक ट्रैफिक क्लियरेंस की स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसने जब आश्वासन दिया है वहाँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर हैं, और उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शरारती लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के एक लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूँ और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूँगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए।